हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम सीखेंगे VN मोबाइल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है जो बिल्कुल फ्री है और इसमें कोई वाटरमार्क भी नहीं आता, जो मैं हाईली रिकमेंड करता हूं कि अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो मोबाइल में इजीली इसमें हम वीलॉग वगैरह आसानी से बना सकते हैं। तो VN में वीडियो की वर्टिकल फ्रेम एडजस्टमेंट कैसे कर सकते हैं, जैसे आप अक्सर टिकटॉक में देखते हैं जो सब्जेक्ट होता है वो आउट ऑफ फ्रेम हो जाता है। किसी थर्ड पार्टी वीडियो को हम अगर अपनी टिकटॉक में डालते हैं और अगर हम उसको वर्टिकल में करते हैं तो सब्जेक्ट आउट ऑफ फ्रेम हो जाता है काफ़ी दफ़ा। तो उसको किस तरीके से इस छोटे से सॉफ्टवेयर में हम एडजस्ट कर सकते हैं वो मैं आपको आज बताऊँगा। ये बहुत आसान, बहुत सिंपल है। तो चलें शुरू करते हैं इस इंटरेस्टिंग वीडियो को। ये मेरे पास देखें, ये VN टूल है, ये सॉफ्टवेयर है। इसको हम क्लिक करेंगे यहाँ पे। यहाँ पे हम देखें ये प्लस का निशान है, यहाँ पे प्लस करेंगे और यहाँ पे देखें न्यू प्रोजेक्ट लिखा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे इसको न्यू प्रोजेक्ट करेंगे और यह मेरे पास एक वीडियो क्लिप है, इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे और यहाँ देखें ये नेक्स्ट का बटन है, इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें ये ओरिजिनल, यहाँ पे इसके जो वीडियो का साइज़ है ये ओरिजिनल आपको दिखाएगा। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे अगर आप देखें ये टिकटॉक है, इस पर हम टिकटॉक का करेंगे। देखिए ये टिकटॉक का इसने साइज़ बना दिया है। अभी मैं अगर इसको नॉर्मली अगर हम चला के देखें, ये देखें ये वीडियो यहाँ पर चल रही है लेकिन ये सब्जेक्ट देखें आउट हो गए यहाँ पर, ठीक है। हमको ये सब्जेक्ट को सेंटर में लाना है इस तरह कि ये सब्जेक्ट जो है ना, जिस तरह फ्रेम से बिल्कुल आउट हो जाता है ना, ये हम उसको वापस से सेंटर में किस तरह लाएंगे वो मैं आपको बताता हूँ। इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम क्लिक करेंगे अपने क्लिप को। ये देखें यहाँ पे आ गया की फ्रेम, ठीक है। इसको हम क्लिक करेंगे, इसने की फ्रेम देखिए छोटा सा यहाँ पर बना दिया है। अभी हम इसको थोड़ा सा आगे करके देखें, ये देखें सब्जेक्ट आउट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, स्क्रीन पर क्लिक करके इसको मैनुअल एडजस्ट यहाँ पे इस तरीके से सेंटर में कर देंगे, ठीक है। हम इसको थोड़ा सा फिर और आगे चलाएंगे, ये देखिए ये फिर आउट हो रहा है। फिर हम इसको पकड़ के यहाँ पे इसको सेंटर में कर देंगे, फिर इसको थोड़ा चलाएंगे। इस तरह हम मैनुअल एडजस्ट करते रहेंगे और देखें ये की फ्रेम बनाता जाएगा। ये देखिए ये फिर आ गया, तो फिर हम इसको मैनुअली इस तरीके से एडजस्ट करेंगे। अभी मैं अगर इसको शुरू से चला के दिखाऊँ आपको तो ये पहले जिस तरीके से आउट हो रहा था अभी आउट नहीं होगा, क्योंकि हमने इसके अंदर की फ्रेम बना दी है और मैनुअल एडजस्ट कर दिए। देखिए इसमें हमने नहीं किया, तो इसको हम दोबारा से भी कर सकते हैं, बीच में भी इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे और इसको मैनुअल एडजस्ट यहाँ पे कर लेंगे। अभी हम प्ले करेंगे, ये देखें अभी बिल्कुल सेंटर में ही है। तो आई होप कि आज की मेरी ये छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरा चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।